हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं इतिहास फिल्म के बारे में। 20 जून 1997 को राज कंवर ने एक फिल्म बनाई, नाम रखा इतिहास। अजय देवगन, ट्विंकल खन्ना, राज बब्बर, अमरीश पुरी, मोहनीश बहल, शक्ति कपूर, अरोड़ा ईरानी के अभिनय से सजी ये फिल्म बेहतरीन रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। दोस्तों, इसमें रोमांस का एंगल इतना ज़्यादा था कि लोग इसके गाने अभी भी यूट्यूब पर खूब सुनते हैं, और उस समय इसके गाने खूब लोकप्रिय हुए थे। खास करके दिल लेके दिल दिया जाता है, नैनों से छुप के वार किया जाता है। राज बब्बर का संवाद मुझे नैना चाहिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। जब वो बाद में पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन की और जब वो यूपी के गांव में उन्होंने जनसभाएं करी, तो वो संवाद उनसे ज़रूर लोग बुलवाते थे, मुझे नैना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म का जो बजट था तकरीबन 5 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने तकरीबन 10 करोड़ के ऊपर का व्यापार किया था। और इसमें अमरीश पुरी साहब का जो किरदार है बलवंत का, वो बहुत ही उम्दा है, असरदार है। और जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं तब उनका जो है अभिनय अमिट छाप छोड़ता है। अजय देवगन एक भोले भाले युवक के तौर पर नज़र आए हैं, जिनको जिम्मा सौंपा जाता है कि वो राज बब्बर यानी ठाकुर दिग्विजय सिंह की तथाकथित मंगेतर को उनको जाके सौंप दें। लेकिन वो मंगेतर को सौंपने के बजाय उसी से प्रेम कर बैठते हैं। फिर इसके बाद दोनों यानी ट्विंकल खन्ना, जिनका किरदार का नाम नैना है, नैना और करण भाग जाते हैं। दिग्विजय तरह तरह की यातनाएं देना शुरू करता है। इसके बाद दिग्विजय नैना को वापस पाता है या नहीं पाता है, ये फिल्म में आपको देखना पड़ेगा। शक्ति कपूर का जो डबल रोल है वो बहुत ही अच्छा है। जो मुंबई में एक किरदार रहता है जिसका नाम नौलखा है, उसका बेटा ढोलू गांव में रहता है जो करण का दोस्त है। खूब सारे अच्छे अच्छे दृश्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बेहतरीन शूटिंग लोकेशन पे इसकी शूटिंग हुई है। गाने इसके बहुत ही कर्णप्रिय हैं। दिलीप सेन, समीर सेन ने इसका म्यूजिक दिया था। समीर साहब ने सारे गाने लिखे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि 20 जून 1997 को वो पहले पर्दे पर आई थी। 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने तकरीबन 10 करोड़ का व्यवसाय किया था। नेगेटिव यानी नकारात्मक किरदार में राज बब्बर इस फिल्म में बहुत ज़्यादा असरदार दिखे हैं। बाकी अगर अजय देवगन की फिल्म के शौकीन हैं तो फिल्म हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए।